नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि स्वास्तिक का जस्ट रेट 2.0 एप्लीकेशन से कैसे फंड ऐड करते हैं, कैसे आप विड्रॉ करेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू, आप इसमें कैसे फ़ंड ऐड कर सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन पे आना है। एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड फंड में क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से विंडो खुलेगी आपके सामने, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक इक्विटी का मिलेगा, एक कमोडिटी का मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन में आप एक फंड से दोनों एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इक्विटी कमोडिटी में काम करना है तो कमोडिटी के लिए अलग और इक्विटी के लिए फ़ंड अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मुझे इक्विटी में फ़ंड ऐड करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट डालूँगा, कंटिन्यू में मैं क्लिक करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किससे यूपीआई से पेमेंट करना है, मैं इसमें क्लिक करूँगा। मैं पे ऑनलाइन में क्लिक करूँगा। कुछ इस तरह का मैसेज मुझे देखने को मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर टू ट्रांसफ़र फंड वाया बैंक रजिस्टर इन योर स्वास्थ्य कार्ड डीमैट अकाउंट। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आपने जो बैंक डीमैट अकाउंट से ऐड करवाया था, आप उसी से फ़ंड ऐड करें, देन जाके आपका ये हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका फ़ंड फंस जाएगा। वो रिजॉल्व हो जाता है, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे होता है। पहले अब मैं इसमें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें क्लिक किया, कुछ इस तरह से नीचे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। तो आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम जिससे भी करना चाहें उससे आप इजीली कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे में क्लिक करूँगा, ओके। आप ऊपर देख सकते हैं एक आईडी लिखी हुई है, आपको देखने को मिल रहा होगा SWASEQTB52231@yesbankltd, ठीक है। ये आईडी आपको पहले यूपीआई में आपको अपने फ़ोन पे में ऐड करना होगा, सेट करना होगा, ओके, देन जाके आप कर पाओगे। तो वो आईडी कैसे सेट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको अपने फ़ोन पे में जाना है, ठीक है। फ़ोन पे में आके जाने के बाद आपको टू बैंक यूपीआई में क्लिक करना है, ओके। आपको यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है, जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा, जैसे SWASEQ, ठीक है। ये देखिए मेरा, मैंने डाल रखा था तो आ गया है। आप सिंपल इसमें क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद अमाउंट यहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत मानने की बात नहीं है। आप डायरेक्ट फ़ोन पे से भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ओके। तो अभी मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ, एप्लीकेशन के थ्रू कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, डाला मैंने, ऑनलाइन में क्लिक किया, ओके में क्लिक किया, और इसके बाद फ़ोन पे में गया मैं, और यहाँ पे मैंने सेंड अमाउंट में क्लिक किया, ओके, गॉट इट। आप ये देख सकते हैं मेरी इक्विटी वाली भी आईडी दिख रही है यहाँ पे, और कमोडिटी वाली भी आईडी दिख रही है। अभी मुझे इक्विटी में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, सिंपल से मैं इसमें क्लिक करूँगा, अमाउंट डालूँगा 1000, सेंड में मैंने क्लिक किया, जो भी मेरा यूपीआई पिन है वो मैंने डाला, और ये पेमेंट हो गया, ओके। इसके बाद आप बैक आएंगे, बैक जैसे ही आएंगे तो आपको कुछ नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इक्विटी लिमिट्स लिखी हुई है, ओके। इक्विटी लिमिट्स में व्यू डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फंड आपने डाला है वो 15 से 20 मिनट के अंदर आपके इसमें फंड ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली 15-20 मिनट के अंदर आपका अमाउंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब होम पे चलते हैं हम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैसे फ़ंड ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपल सा इक्विटी सेलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है, आपको नेट बैंकिंग में क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आपका जो भी बैंक आपने ऐड किया है वो बैंक आ जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन पे में क्लिक करें, ओके। फिर कुछ इस तरह के विंडो आपको ओपन होते दिखेगी, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालें, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें, इसके बाद लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, आप अपना अमाउंट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ अपने एप्लीकेशन पे दोबारा से।
ये मैं बैक आ गया हूँ अपने एप्लीकेशन पे। ठीक है, आपने यूपीआई के थ्रू जो फ़ंड ऐड किया था, तो उसके बाद कंपनी, अगर आपका फ़ंड ऐड हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी की तरफ से आपको एक मैसेज अभी देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का मैसेज आएगा आपको, डियर कस्टमर, योर ट्रेडिंग अकाउंट ये हैज़ बिन क्रेडिटेड विथ 1000 रुपीज़, थैंक यू। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे आप, ये देखिए व्यू डिटेल में क्लिक करिए, ये देखिए आपका अमाउंट इजीली ऐड हो चुका है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप ये अगर आप फंड ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं बोलूँ तो अगर आपको नेफ्ट करना है, आरटीजीएस करना है, आईएमपीएस भी करना है, तो आप ये देख सकते हैं, इसमें 2 घंटे का टाइम लगता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, कमोडिटी के लिए अलग, इक्विटी के लिए अलग, तो यहाँ से आप डिटेल लेके आप क्या कर सकते हैं, आईएमपीएस भी कर सकते हैं, आरटीजीएस भी करते हैं, चेक के माध्यम से आप फंड इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी क्लाइंट क्या होता है कि गलत बैंक से अपना जो फंड है वो डाल देता है, इसके बाद उसको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसका फंड शो नहीं करता और उसको बाद में पता चलता है कि उसने गलत अकाउंट से उसने फंड ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपका ही अकाउंट है, ठीक है ना, आपने किसी और, जैसे मान लीजिए मेरा SBI का अकाउंट है और मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ICICI मोबाइल बैंक से, ठीक है, ICICI वाले अकाउंट से मैंने ऐड कर दिया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके, ठीक है, कॉल करके भी आप क्या कर सकते हैं, वो अपना बैंक वो वाला ऐड करवा सकते हैं, और या तो आप खुद से भी कर सकते हैं। खुद से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होम के बगल में आपको एक बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे से थर्ड नंबर पे सेटिंग का ऑप्शन है, आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको, आप देखेंगे आपका प्रोफाइल दिखेगा, प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। ओके, आप ये देख सकते हैं इजीली, आप जहाँ पे सबसे नीचे लिखा है बैंक डिटेल, बैंक डिटेल में आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप दूसरा बैंक ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे नेम ऑफ चेक, जो आपके चेक में होगा, जो आपका अकाउंट आपका नाम होगा, वो नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालेंगे, ठीक है ना, और सेलेक्ट अकाउंट डालेंगे, यहाँ पे डिटेल वगैरह आप अपना अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP डालेंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे, तो आपका विद इन 2 से 3 घंटे के अंदर आपका एक और बैंक ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक और बैंक दिखेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो जो आपने दूसरे बैंक से फ़ंड ऐड किया था, वो फ़ंड आपका इजीली आ जाएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको फ़ंड विड्रॉ कैसे करना है। लेट सपोज़ मुझे फ़ंड विड्रॉ करना है, तो मैं सिंपल सा जो ऐड फ़ंड है उसमें मैं क्लिक करूँगा, विड्रॉ पे जाऊँगा, ठीक है ना, जितना अमाउंट मेरा है, अभी मेरा 1000 दिख रहा है, मैं 1000 अमाउंट डालूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बता रहा है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव 1000 रुपये, यू विल बी रिसीव अमाउंट विद इन 24 आवर वर्किंग डे। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर मेरा जो भी फंड है वो इजिली आ जाएगा मेरे अकाउंट में। ठीक है, होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।